अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 5 ए बी एंड सी पार्ट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए इज 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव फ्रैक्शन से। तो आए देखें इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो लाइक ए पार्ट इज 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ उसी तरह कटिंग मेथड को फॉलो करते हुए वैल्यूज को रिड्यूस करेंगे हम। 3 1s are 3, 3 5 times 15, 8 1 time 8, 8 8 times 64। तो यहाँ पे जब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 8 आएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से 5 आएगा। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि साइन को इग्नोर नहीं करना। व्हेन वी मल्टीप्लाई पॉजिटिव बाय नेगेटिव वी विल गेट नेगेटिव। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो एज यू ऑल नो दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 8 5 1s are 5, 6 7 8, 3 is the remainder, 1 whole 3/5. -1 whole 3/5 will be your final answer because already improper fraction में minus attached। B part में हमारे पास 4/15 divided by bracket open -10/3। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के लिए हम रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज हम उतार लेंगे 4/15, देन वी विल टर्न दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। माइनस अपनी जगह माइनस रहेगा, 10/3 3/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। अब इसी स्टेप में हम कटिंग करते हुए इसको रिड्यूस करेंगे। 3 1s are 3, 3 5 times 15, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब इट कैन बी फर्दर रिड्यूस और एज यू ऑल नो डेट द हम हमेशा कटिंग जो है वो अप एंड डाउन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही करते हैं, आया कि वो सेम फ्रैक्शन का हो या ऑपोजिट फ्रैक्शन का हो। कभी भी साइडवेज में कटिंग नहीं की जाती। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2, 5 5s are 25 और इट इज इट सेल्फ ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम साइन को भी देखेंगे। ये प्लस 4/15 था और ये -3/10 है। तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई द साइन प्लस माइनस माइनस -2/25 इज अवर फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सी एंड डी पार्ट्स। सी पार्ट में हमारे पास है -6 whole 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14। इसमें पहले स्टेप में हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस साइन अपनी जगह माइनस ही रहेगा। 6 times 8 is 48, 48 plus 1, 49/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4। उसी तरह कटिंग करके रिड्यूस किया जाएगा फ्रैक्शंस को। तो 3 और 8 आपस में कट नहीं हो सकता है एंड 3 और 14 भी नहीं हो सकता, 49 and 8 भी नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट दिस 14 and 49? 14 को हम रिड्यूस करेंगे 7 से। 7 2 times 14 एंड 7 7 times 49। अब इट कान बी फर्दर रिड्यूस क्योंकि साइडवेज तो हम कर ही नहीं सकते। 2 और 8 तो इट्स नेवर पॉसिबल टू रिड्यूस। सो हम 7 times 3 is 21, 8 times 2 is 16। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसी तरह उसको मिक्स नंबर में ले आएंगे। 16 1s are 16, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 विल बी द रिमाइंडर और 1 whole 5/16। ये माइनस की साइन उसी तरह चलती रहेगी नेक्स्ट में एंड नेक्स्ट में, तो क्योंकि माइनस प्लस विल बी माइनस। तो फाइनल आंसर विल बी -1 whole 5/16। डी पार्ट इज -2 whole 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 whole 2/5। First of all, we are going to convert these mixed numbers into improper fraction first. So 2 times 2 is 4, 4 plus 1, 5, minus 5/2 multiply by 5 times 4 is 20, 20 plus 2, 22 upon 5. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रिड्यूस कर देंगे कट करके. 2 1 2, 2 11 टाइम, 5 1 5, 5 1 5. नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय 11 विल बी 11 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1. सो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम उसकी कोई वैल्यू खास होती नहीं है, तो हम डायरेक्ट -11 ही इसका आंसर लिख देते हैं. तो -11 इज अवर फाइनल आंसर. ई पार्ट भी बहुत ईजी है. ई पार्ट इज -1/1/4 डिवाइड बाय 3/8. तो सबसे पहले हम इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. फोर माइनस साइन विल बी रिटर्न एज इट इज. 4 1 4, 4 प्लस 1, 5/4. इस ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया. देन रेसिप्रोकल मीन्स फ्लिप कर देंगे हम. 3/8 विल बी टर्न इनटू 8/3. एंड अब हम इसको कटिंग मेथड से रिड्यूस करेंगे. So 3 and 5 can't be cut, 8 and 3 can't be cut. Yes, 4 1 4, 4 2 8. So अब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से. 5 times 2 is 10. माइनस का साइन टैग अलोंग रहेगा. -10/3. ये चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स नंबर में. 3 3 टाइम 9. सो 1 इज रिमेंडर. उसका फाइनल होगा -3/1/3. All right. So now let's move on to the last part of question number 5, that is F part. -8/9 divided by -1/2/3. फर्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव फ्रैक्शन है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है ये. उसको फिर डिवाइड बाय, अब हम इसको मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 3 1 3. स्टिल वी आर गोइंग टू पुट द नेगेटिव साइन. 3 प्लस 2, 5/3. अब हम इसको रिड्यूस करने से पहले फ्लिप कर देंगे. -8/9 विल रिमेन सेम. मल्टीप्लाई बाय -3/5. 3 1 3, 3 3 9. Minus will be plus. 8 1 8. 5 times 3 is 15. और चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है देयरफॉर इट इज अवर फाइनल आंसर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.